Good morning, everyone. I hope you all are doing good and have revised whatever has been taught to you yesterday. Today we will move forward with try it out from page number 129. Now, these are the second try it out block. The क्वेश्चन इज फाइंड द सम और डिफरेंस, हमें एड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट वन इज 1/7 प्लस 3/7. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा लिखोगे 7 और न्यूमरेटर्स को एड कर दोगे. सिंस दीज आर लाइक फ्रैक्शन मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर को लिखा 1/2 और 1/3 किया तो कितना आया 4/7. सेकेंड वन इज 9/11 माइनस 5/11. सिमिलरली डिनोमिनेटर सेम है सो 9 - 5/11 द आंसर इज 4/11. थर्ड वन 7/13 माइनस 3/13 सो दिस इज 7 - 3/13 विच इज 4/13. अब हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं. वापस से सुन लो, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी तो एलसीएम लेना पड़ेगा, वो भी करना सिखाऊंगी, बट तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कैसे हो रहा है. फोर्थ वन इज 9/10 प्लस 5/10 विच इज 9 + 5/10 विच इज 14/10. नेक्स्ट वन 3/9 प्लस 1/9 विच इज 3 + 1/9 4/9. नेक्स्ट वन 19/23 माइनस 12/23 विच इज 7/23. अब इसका सेवेंथ और एट्थ पार्ट आप खुद से करोगे. यहाँ पे लिख रही हूँ मैं होमवर्क ट्राई इट आउट 129 पेज का क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड वाला है, उसका सेवेंथ और एट्थ पार्ट आपको खुद से करना है. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. नाउ हाउ डू यू सॉल्व क्वेश्चंस विच हैव अनलाइक फ्रैक्शन. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट विल मेक इट क्लियर टू यू. विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर फ्रैक्शन 3/7 और 3/4. इनमें से छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? अब आप सीधा कैसे बताओगे? आप ये नहीं बोल सकते 3/4 स्मॉलर फ्रैक्शन है. क्यों? हमको न्यूमरेटर्स पहले डिनोमिनेटर देखने हैं. अब डिनोमिनेटर तो अलग अलग है तो पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे. क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 7 और 4. 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे. निकालो एलसीएम 7 4. 7 = 7 और 4 = 4. सो 7 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 28. सो 3/7 और 3/4. 28 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा? 7 × 4 = 28. तो 3/7 को 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज 12/28. नाउ देन वी हैव 4. 3/4 के डिनोमिनेटर में क्या है? 4. तो 28 को 4 से डिवाइड करो. 4 × 7 = 28. सो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 21/28 विच मीन्स कौन सा छोटा है? 12/28 इज स्मॉलर देन 21/28. कैसे पता लगाया? हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया उसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई. लाइक फ्रैक्शन बन गई तो उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? न्यूमरेटर चेक करते हैं. न्यूमरेटर 12/21 से ऑब्वियसली छोटा होता है. 12/28 किससे आया बेटा? 3/7 से. सो 3/7 इज स्मॉलर देन 3/4.
दिस इज योर आंसर. अब अगर आपने सीधा डिनोमिनेटर में 4 देखकर इसे स्मॉलर फ्रैक्शन बता दिया होता तो आपका आंसर गलत हो गया होता. हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, विच इज 5/6 एंड 4/9. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, सिमिलरली सेम चीज अपनाओ, एलसीएम ऑफ 6 and 9, 6 और 9 का एलसीएम निकालो. 6, 9, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 1s are 3 and 2 1s are 2. सो एलसीएम इज 3 into 3, 9, 9 2s are 18. तो एलसीएम कितना आ गया, 18. अब लिखो यहाँ पे 5/6 and 4/9. 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 3. ये इधर रफ वर्क में कर लेना. तो इसको 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. 5 3s are 15, 6 3s are 18. 18 को 9 से डिवाइड करो कितना आंसर आएगा, 2. तो इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 2s are 8, 9 2s are 18. तो कितना आ गया, 15/18 और 8/18. अब इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, 15/18 इज ग्रेटर देन 8/18, विच मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 4/9 एंड दिस इज योर एक्चुअल आंसर. नाउ देयर आर ट्राई इट आउट ऑन पेज नंबर 131. This also you have to do in your homework. यही बताना है कौन सा greater fraction है और कौन सा smaller fraction है, ये आपको homework में करना है. Moving forward to example number 3. Find the sum 5/6 + 4/9. अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सम करने के लिए सीधा सीधा नहीं सम करोगे कि 5 + 4 = 9 और 6 + 9 = 15. तो ये आंसर आ गया 9/15. That would be wrong. हमें क्या करना पड़ेगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का 6 और 9 का. 6 और 9 का भी हमने एलसीएम लिया था तो कितना आया था, 18. तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 18. नाउ हम लिखेंगे एलसीएम आ गया 18. 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 18 आए 3 से, तो 3 × 5 = 15. यहाँ पे लिखो 3 × 5 प्लस 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 18 आए 2 से, तो 2 × 4. सो दिस बिकम्स 15 एंड दिस बिकम्स 8/18. सो आंसर क्या आएगा, 15 and 8 is 23/18 इज योर आंसर. ठीक, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. यू हैव टू फाइंड द सम 7/9 and 11/15. इसका क्या निकालना है, सम निकालना है. ठीक है, सम निकालना है. 9/15, 9 और 15 का एलसीएम लो. 9 और 15 का एलसीएम लेंगे आप, लीजिए एलसीएम. 3 3s are 9, 3 5s are 15, देन 3 1s are 3 एंड 5 1s are 5. तो 3 3s are 9, 9 5s are 45, 45 इज योर एलसीएम. एलसीएम आ गया 45. ठीक, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 45 आए, 5 से, तो 5 × numerator विच इज 7 प्लस 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 45 आए, 3, सो 3 × 11. सो दिस बिकम्स 7 5 = 35 + 11 3 = 33 डिवाइडेड बाय 45. दिस विल बिकम 5 + 3 = 8, 3 + 3 = 6/45. This is your answer. Now let's move to example number 5.
example 5th. Find the difference. 7 by 9 minus 11 upon 15 का आपको क्या निकालना है डिफरेंस. एलसीएम ऑफ 9 एंड 15. 9 और 15 का एलसीएम कितना होता है अभी निकाला था. 9 और 15 का एलसीएम होता है 45. आपको यहाँ पे बकायदा सॉल्व करके निकालना है कैसे आया. तो एलसीएम आ गया 45. ठीक, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 है 5 से, तो 5 इंटू न्यूमरेटर. माइनस 15 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 45 बाय 3 से, तो 3 इंटू न्यूमरेटर. दिस इज 35 माइनस 33 अपॉन 45. आंसर इज 2 अपॉन 45. देन मूविंग फॉरवर्ड एग्जाम्पल नंबर 6th. एग्जाम्पल 6th क्या कह रहा है. फाइंड द डिफरेंस ऑफ 7 बाय 10 एंड 8 by 9. अब हमें क्या पता डिफरेंस लेना है कि किसमें से किसको माइनस करें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है. तो या तो हम ये कर सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर करके पता करें कि कैसे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, या कर क्या कर सकते हैं 7 by 10 और 8 by 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 7 जा 63 एंड 8 10 जा 80. देयरफॉर 8 by 9 में 8 by 9 is a greater number, तो हमें 8 by 9 में से 7 by 10 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ क्या करोगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 10. 9 और 10 का एलसीएम निकालो, निकालना है निकालो. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10 एंड 5 वन जा 5. तो एलसीएम कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 19. एलसीएम आ गया 90. नाउ एलसीएम लिखा 90. 9 को किससे मल्टीप्लाई 90 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 90 आ जाए 10 से, तो यहाँ पे 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 90 आ जाए 9 से, तो 9 इंटू 7 न्यूमरेटर. 8 इंटू 10 80, 9 इंटू 7 63 डिवाइडेड बाय 90. 80 में से 63 जाएगा तो कितना आएगा 17 डिवाइडेड बाय 90. दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उसके बाद उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा वो हम कर लेंगे. एग्जाम्पल नंबर 7 से देखते हैं. 7th एग्जाम्पल क्या है, 2 7 अपॉन 11 प्लस 1 2 अपॉन 3. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 11 2 जा 22, 22 प्लस 7 29 अपॉन 11 प्लस 3 1 जा 3 4 5 5 बाय 3. क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 11 एंड 3 का. 11 और 3 का एलसीएम, अब ये एलसीएम लेने का प्रोसीजर है वो आपको खुद से करना है. 11 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 33. सॉल्व करेंगे एलसीएम आ गया 33. 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 33 आ जाए 3 से, तो 3 इंटू न्यूमरेटर प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 33 आ जाए 11 से, तो 11 इंटू न्यूमरेटर. अब दिस इज 87 प्लस 55 अपॉन 33. ऐड करो 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 6 14, 142 अपॉन 33 इज योर आंसर. अब इसे हम क्या कर सकते हैं आगे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा और करना चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको आता है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8th. नाउ यू हैव टू अगेन फाइंड द डिफरेंस 2 7 अपॉन 11 माइनस 1 2 बाय 3. सो 11 2 जा 22 एंड 7 इज 29 बाय 11 माइनस 5 बाय 3. देखो सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे डिफरेंस लेना है. एलसीएम लोगे 11 और 3 का
33 आ जाएगा, फिर सॉल्व करोगे 33 29 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 11 ये आया 87 माइनस 55 अपॉन 33 7 माइनस 5 2 8 माइनस 5 3 32 अपॉन 33 इज योर आंसर. फाइन. नाउ एग्जाम्पल नंबर 9th. सीता ब्रॉड. नाउ दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान से सुनना. वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, सिर्फ वर्ड की को तुमको डिकोड करके नंबर में लिखना है, और नंबर में लिखते ही तुम एकदम सॉर्टेड. सीता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन बॉट बाय सीता. सीता ने कितना रिबन खरीदा, 2/5 मीटर. और लीला, सॉरी, रिबन बॉट बाय लीला इज 3/4 मीटर. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन दे गॉट. लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट. दिस इज लाइक आपने 5 टॉफी खरीदी, आपके फ्रेंड ने 4 टॉफी खरीदी, तो दोनों ने मिलकर कितने टॉफी खरीदी. सिमिलरली ये फ्रैक्शन में है, सो 2/5 प्लस 3/4. अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या लेंगे, पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम. 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20. एलसीएम का प्रोसेस करना है तुम्हें. नाउ 20, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 आ जाए 4 से, तो 4 इंटू न्यूमरेटर प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 20 आ जाए 5 से, सो 5 इंटू न्यूमरेटर. ये कितना आया, 8 प्लस 15 अपॉन 20 विच इज 23 अपॉन 20. इसे और क्या लिख सकते हैं, 20 एंड 3, इतना मीटर रिबन लेकर आई है दोनों. देन मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट एग्जाम्पल, after which we will be able to solve our next exercise, that is exercise 7.3. example 10th. Mr. A walked some distance from his house to reach the bus stop and then took school bus 2.25 kilometer to reach his school, which is 9/10 kilometer from his house. How far is the bus stop from his house? Now, हमें पता है distance between house and school. House और school के बीच में कितना distance है, 9/10 kilometers. ठीक है, distance covered with bus. बस से कितना डिस्टेंस कवर किया मिस्टर ए ने, 2/5 किलोमीटर. तो आपको बताना है कि मिस्टर ए पैदल कितना चले. ये टोटल डिस्टेंस है उनके घर से स्कूल तक का, और ये उन्होंने बस से कवर किया. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट. फुट मतलब पैदल चल के उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया. देखो टोटल डिस्टेंस 9/10 माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 2/5. एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 10 एंड 5 लीजिए. यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम, 5 टू जो 10, 5 वन जो 5, तो एलसीएम कितना आ गया, 10. आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगी, 10 आए 1 से, तो 1 इंटू न्यूमरेटर. माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 आए 2 से, सो 2 इंटू न्यूमरेटर. 9 माइनस 4 बाय 10 विच इज 5/10 किलोमीटर चले हैं जब मिस्टर ए
तो उन्हें इतना चलना पड़ा है बस स्टॉप पहुंचने के लिए. अब इसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ किलोमीटर चलना पड़ा मिस्टर ए को टू रीच बस स्टॉप. फाइन. सो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, सारे एग्जांपल्स करवा दिए हैं. अब तुम्हें क्या करना है, क्लास वर्क रिवाइज करना है, होमवर्क करना है और नोट्स बनाना है. आई थिंक वट एवर आई हैव टॉट यू इज क्लियर. ध्यान रखना डायरेक्टली ऐड तब कर सकते हो जब लाइक फ्रैक्शन हो. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है. ठीक. जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो अनलाइक फ्रैक्शन होती है. और अनलाइक फ्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं. आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है. अब आप रिविजन करेंगे और अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.